हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्लास 9th, पोएम 3, रेन ऑन द रूफ. एंड स्पेशली वी आर डिस्कसिंग इट्स क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर्स. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू दीज फ्रेजेस मीन टू यू? डिस्कस इन क्लास. तो स्टूडेंट्स, आपने ये पोएम पढ़ी होगी और इसमें कुछ फ्रेजेस दी गई हैं और इन फ्रेजेस के बारे में हमने पढ़ना है और इनको डिस्कस करना है कि इनका क्या क्या मीनिंग्स है. जैसे हुमिड शैडोज़ आया, हुमिड शैडोज़ आपने पोएम में पढ़ा था. हुमिड शैडोज़ का क्या मीनिंग्स था? जो शैडोज़ वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? ये क्लाउड्स के लिए आया है. फिर इसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. हुमिड शैडोज रेफर्स टू डार्क क्लाउड्स. हुमिड शैडोज किसको रेफर करती है? डार्क क्लाउड्स को. व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन, जब बारिश आने को हो जाती है तो डार्क क्लाउड्स क्या करते हैं? कास्ट ए शैडो ऑन अर्थ. तो वो एक शैडो सी डाल देते हैं, एक परछाई सी डाल देते हैं, क्योंकि काले काले बादल होते हैं और काले काले बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो अर्थ के ऊपर क्या पड़ जाती है? एक शेडो पड़ती है, एक परछाई सी पड़ती है. उसी को क्या नाम दिया गया है? हुमिड शेडोज. और वो क्या होती है? हुमिड होती है, आर्द्र होती है, क्योंकि वो बारिश वाली होती है. नाउ नेक्स्ट है स्टारी स्पेयर्स. स्पेयर्स होता अक्षेत्र और स्टार से रिलेटेड है स्टारी, और ये वो अक्षेत्र जो सितारों से भरा हुआ है. तो ये किस सेंस में यूज़ किया गया है? एट नाइट स्काई इज़ फिल्ड विद स्टार्स. रात को आसमान किस से भरा होता है? स्टार से भरा होता है. एंड डार्क क्लाउड्स कवर द स्टारी स्काई. और जो डार्क क्लाउड्स जब छा जाते हैं आसमान में तो उस स्काई वाले स्टार वाले आसमान को बिल्कुल ढक देते हैं. तो उस टाइम पे क्या बोला गया? स्टारी स्फेयर्स. नाउ थर्ड, व्हाट अ ब्लिस. ब्लिस होता है खुशी, हैप्पीनेस. तो कितनी खुशी मिलती है, कब मिलती है वो खुशी पोएट को? कब मिलती है? जब वो लेटा लेटा बारिश की पैटरिंग साउंड को सुन रहा है और पिल्लो को दबा रहा है. तो यहाँ पर किस सेंस में यूज़ किया गया है? बाई हियरिंग द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ. रूफ पर बारिश की आवाज़ को सुनते हुए द पोएट फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी. पोएट जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ये फैंसीज क्या होता है? इमेजिनेशंस. तो कब उसके अंदर इतनी सारी इमेजिनेशंस आती हैं और उसके माइंड को बिजी कर देती हैं? बाई हियरिंग द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ द पोएट फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी, यू नो. फिर कहता है ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान मैनी आइडियाज एंड इमेजिनेशंस आर अराउज्ड इन पोइट्स माइंड. तो जब बारिश होती है तो बहुत सारे आइडियाज़, कल्पनाएँ जो हैं वो पोइट्स के माइंड में उभरती हैं, उठती हैं. तो काफ़ी सारे विचार पोइट्स के माइंड में आते हैं, तो इससे उसका माइंड जो है वो बिजी हो जाता है. नाउ नेक्स्ट है थाउजेंड रिकलेक्शंस व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. तो रिकलेक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स? मेमोरीज, यादें. पुरानी यादें पोइट्स के माइंड में आती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे हवा रूपी ताने बाने से वो जुड़ी हुई हैं. हवा रूपी ताना बाना उन्होंने, हवा रूपी धागे का ताना बाना उसने बुन लिया है. इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट मैनी मेमोरीज कम इन टू पोइट्स माइंड. बहुत सारी मेमोरीज पोइट्स के माइंड में आती हैं एंड दे फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर. जब बहुत सारी यादें आती हैं माइंड में तो क्या होता है? एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बन जाती है उनके माइंड में. उस विचारों की सुंदर सी पिक्चर उसके माइंड में बन जाती है. इट मीन्स दैट मैनी मेमोरीज कम इन टू पोइट्स माइंड.
काफ़ी सारी यादें मेमोरीज उनके माइंड में आती हैं एंड दे फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन हिज माइंड, और उसके माइंड में एक सुंदर सी पिक्चर बन जाती है। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, पोइट क्या करना लाइक करता है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो पोइट को क्या अच्छा लगता है करना। द पोइट फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन्स, पोइट बहुत ज़्यादा खुश होता है जब बारिश होती है। ही लाइक्स टू लाई, वो क्या क्या लाइक करता है, टू लाई ऑन द बेड, बेड पर लेटना उसको अच्छा लगता है, प्रेसिंग अ पिल्लो इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं से पिल्लो को दबाना उसको अच्छा लगता है, एंड लिसंस टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ, और छत पर बारिश की टप टप को सुनना उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। सिंगल मेजर मेमोरी, एक मेजर मेमोरी है जो पोएट के माइंड में आती है, वो क्या है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, इसमें दो क्वेश्चन पुट किए गए हैं, वो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन हैं और वो किसके लिए रेफ़र किए गए हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रेफ़र कर रहे हैं, किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड इज दैट ऑफ हिज मदर, जो सिंगल मेजर मेमोरी है जो पोएट के माइंड में आती है वो है उसकी मदर। एक ही मेमोरी उसके माइंड में आती है, एक ही यादें उसके माइंड में आती है उसकी मदर से रिलेटेड। एंड हर लविंग लुक, और उनका वो प्यार वाला दृष्टिकोण ओवर द पोएट, जो पोएट के ऊपर है, एंड हिज सिबलिंग्स, और उसके जो और बहन भाई हैं। सिबलिंग्स क्या होता है, ब्रदर सिस्टर्स, जो उसके भाई बहन हैं छोटे, उनके ऊपर पड़ती है उनका लविंग लुक। तो सबसे मेजर मेमोरी क्या थी, उसकी मदर थी, जो उसके माइंड में आती है, उनकी यादों में आती है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द वंस, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, आर द वंस, वो हैं इन हुज ड्रीम्स, जिनके सपनों में मदर यूजुअली कम्स, उनकी मदर आमतौर पर आती है। सी यूज टू लुक एट देम, और वो उनकी तरफ देखती है, वाइल दे वर एज़लीप, और उस टाइम पे वो उनकी तरफ देखती है जब वो सो रहे होते हैं। जब वो सोए हुए होते हैं तो उनकी मदर उनकी यादों में आती है और उनकी तरफ देखती है। इज़ द पोएट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, क्या पोएट अभी भी एक बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, और क्या उसकी मदर अभी भी जिंदा है। नो द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, पोएट अब बच्चा नहीं है। ही इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन, वो एक मैच्योर्ड व्यक्ति है, मैच्योर पर्सन है। ही रिमेंबर्स हिज मदर, वो अपनी मदर को याद करता है। व्हेन ही इज़ लाइंग ऑन हिज बेड, जब वो बेड पर लेटा हुआ है, एंड लिसंस टू द पैटर ऑफ द रेन फॉलिंग, और वो रेन फॉलिंग की पैटरिंग को, पैटर होता है टप टप की आवाज़, तो रेन की जो जब बारिश हो रही होती है तो रेन फॉलिंग की पैटर को वो सुनता है। फिर कहता है बट एक्चुअली, अब कहता है कि इज हिज मदर स्टिल अलाइव, नहीं उसकी मदर अभी जिंदा नहीं है। नो एक्चुअली हिज मदर हैड डाइड, उसकी मदर जिंदा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, जब तुम एक जवान बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, डिड यूर मदर टक यू, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें भी गोदी में सिमेटती थी, एज द पोइट्स डिड, जैसा कि पोइट्स की मदर करती है। यस, क्योंकि हर एक मदर का लविंग नेचर होता है और वो अपने बच्चे का को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जैसा कि पोइट्स की मदर करती थी। यस माई मदर यूज़ टू टक मी इन, माई मदर यूज़ टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मेरी मदर जो थी मुझे भी ऐसे ही अपनी गोदी में सिमेटती थी जब मैं एक बच्चा था, एज द पोइट्स मदर डिड, जैसा कि पोइट्स की मदर करती थी। क्यों ऐसा क्यों करती थी, बिकॉज पोइट्स नेचर, मदर्स नेचर इज़ लविंग टुवार्ड्स हिज और हर चाइल्ड, क्योंकि मदर का जो नेचर होता है वो बड़ा लविंग होता है, चाहे वो उसका बेटा हो चाहे उसकी बेटी हो, तो उसके लविंग नेचर जो होता है मदर का, वो बहुत अपने बच्चों के लिए और भी ज़्यादा सॉफ्ट और लविंग होता है। तो वो ऐसा ही करती है, किसी भी तरह की मुसीबत अपने बच्चे पे नहीं आने देती।
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक रेन? क्या तुम रेन को लाइक करते हो? ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने का है. व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हैवीली एज इन द पोएम? तो कहता है जब बारिश जोर और शोरों से हो रही हो उस टाइम पे आप क्या करना आपको अच्छा लगता है. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के लिए डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं सभी के, लेकिन मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि आप इस तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हो. तो डू यू लाइक रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ क्या आप लाइक करते हो रेन को? यस, आई लाइक रेन, मैं लाइक करता हूँ रेन को. व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है तो आप क्या करना अच्छा लगता है आपको? आई लाइक टू बाथ इन रेन, मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है. आई इन्जॉय ईटिंग सम टेस्टी स्नैक्स, कुछ टेस्टी स्नैक्स खाने का हमारा खा के हम इन्जॉय करते हैं. एंड समोसाज, समोसा और टेस्टी खा करके. आई ऑल्सो लाइक द पैटर ऑफ द रेन एज द पोएट्स लाइक्स, एज द पोएट लाइक्स. आई ऑल्सो लाइक द पैटर ऑफ द रेन, मुझे बारिश की भी वो टप टप अच्छी लगती है जो पोएट को अच्छी लगती है या जो पोएट लाइक करता है. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर वेरी इजी एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल ऑल दीज क्वेश्चंस. सो सब्सक्राइब द चैनल. तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.